सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबरों का। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। बता दें, यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को धोखाधड़ी मुक्त और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए, जिसके चलते परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखने को मिले और भारी संख्या में पुलिस प्रशासन भी परीक्षा केंद्रों पर मौजूद रहा। बता दें, आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को धोखाधड़ी मुक्त और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों को आगे आदेश दिया है कि जिला अधिकारी द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। परीक्षा पत्रों की कड़ी निगरानी के लिए स्कूलों में प्रधानाध्यापक के कमरे के अलावा एक अलग कमरा होगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा केंद्रों पर जिन कक्ष निरीक्षकों और व्यवस्थापकों की ड्यूटी लगाई गई है, अगर वे ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनका वेतन भी रोका जाएगा। वहीं तैयारियों के दृष्टिगत जिला प्रशासन की ओर से अधिकारियों को रिजर्व में रखा गया है। किसी भी अधिकारी की अनुपस्थिति होने पर इन्हें तैनात किया जाएगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक परिषद की शिक्षा की तरफ से अभी जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, आज हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 58 लाख से अधिक परीक्षार्थी जो है परीक्षा में बैठे हुए हैं। आज हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र है, जो पहला पेपर आज हो रहा है। 8 से 11 बजे तक का जो पहला परीक्षा की पाली है, उसमें जो परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं, करीब 58 लाख से ऊपर भी परीक्षार्थी पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा दे रहे हैं। लखनऊ की बात अगर की जाए तो केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी की निगरानी में आज जो परीक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी तरीके किसी भी हद तक नकल भी परीक्षाएं कराई जाएंगी, और जो विद्यालय में कक्ष निरीक्षक हैं या केंद्र व्यवस्थापक हैं, उनको भी यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की चीटिंग ना हो पाए या ना ही नकल माफिया कहीं आसपास दिखाई दे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई है। हमारे पीछे जो ये विद्यालय दिख रहा है, राजकीय बालिका विद्यालय है, इंटरमीडिएट विकास नगर एरिया में है, यहाँ पर भी परीक्षा चल रही है। बालिकाओं का विद्यालय है, यहाँ पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी तैनात की गई है और स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। मयूरी, मैं आपको बता दूं, पूरी पारदर्शिता के साथ अब की बार उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं अब नकल माफियाओं के मन में भय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अवैध निर्माणों पर चलता था, उसी तरीके से अब की बार एक NSA के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई है। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करता पकड़ा जाता है तो NSA के तहत भी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर की भी कार्रवाई नकल करवाने के ऊपर की जाएगी, इस तरीके से FIR भी दर्ज कराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर नकल विहीन परीक्षा की जो कवायद की गई थी, वो मेरे पीछे इस तस्वीरों में आपको साफ देखने को मिल रहा होगा कि इस विद्यालय के चारों तरफ बिल्कुल शांति का माहौल बना हुआ है और जो ड्यूटी पर यहाँ पुलिस कर्मी है वो पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। मयूरी, रितेश, पिछले साल के मुकाबले अब के साल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि तैयारियां तो हर बार की जाती हैं? देखिए, योगी वन में जब मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनी थी, तो सरकार बनने के बाद सीधे जब भी भाजपा की गवर्नमेंट बनी है तो नकल अध्यादेश को पूरी तरीके से लागू किया जाता था, चाहे वो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट रही हो या राजनाथ सिंह की रही हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो नकल को लेकर के उन्होंने तरीके से पूरी तरीके से पेचकसी अधिकारियों को और नकल पर नकेल कसी गई। उसके बाद जब योगी टू यानी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सूबे के मुखिया बने, तब उन्होंने अब की बार पूरी तरीके से सीसीटीवी की निगरानी में पूरी बोर्ड परीक्षा को पारदर्शिता के साथ कराने का निर्णय लिया। और आज आलम यह है कि पूरे विद्यालय में सीसीटीवी की निगरानी में 24 घंटे यानी जो पेपर होने के बाद जो पेपर जमा होंगे विद्यालय में वो 24 घंटे और डबल लॉकर में रखे जाएंगे कि किसी भी तरीके की नकल माफिया उस पर अपना हाथ ना जमा सके। तो फिलहाल जो नकल विहीन परीक्षा हो रही है कहीं ना कहीं वो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का अच्छा निर्णय है, यदि नकल नहीं होता है तो बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा बन सकते हैं। रितेश जी, सबसे बड़ा जो अहम रोल निभाएगा वो सीसीटीवी कैमरा निभाएगा, तो कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? विद्यालय में कक्ष के अनुसार सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। जिन कमरों में जिन क्लासों में परीक्षा हो रही है, जहां पर परीक्षार्थी और बच्चे बैठे हैं, उस कक्ष में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक कक्ष में वो अलग से पूरी मॉनिटरिंग के लिए वहां एक कैमरे लगाए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भी ये पूरी तरीके से देखा जा रहा है, कहीं भी नकल की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। मयूरी, मैं आपको बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको और नकल जो माफिया है और जो नकल कराने के लिए जो लोग भी आगे बढ़ते थे उनको अब ये समझ में आ गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से बुलडोजर लगातार अवैध निर्माणों पर चला है तो वो नकल माफियाओं के लिए भी बक्से नहीं जाएंगे। रासुका तहत एनएसए तहत भी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए डर का माहौल बना है। फिलहाल अब पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही तरीके से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। जी रितेश, बड़ी संख्या में बता दें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षाएं आज से हो रही हैं। बता दें यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को धोखाधड़ी मुक्त और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके चलते परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। एक बार फिर से संवाददाता रितेश श्रीवास्तव का रुख करेंगे। रितेश, बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और अब की बार बहुत कुछ बदलाव किया गया है, तो उनमें कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कोई डर नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मयूरी कि जिस तरीके से परीक्षा जो हो रही है कहीं ना कहीं अब बच्चों को ये समझ में आ गया है कि उन्हें पढ़ लिख करके ही पास होना है, नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट बनी है तो नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर के उन्होंने जो कवायद की थी वो धरातल पर दिखती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अब विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ने के लिए भी, वो जो नहीं पढ़ते थे वो भी मजबूर हो चुके हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि नकल अब कोई गुंजाइश नहीं बची हुई है। फिलहाल बहुत पारदर्शिता के साथ पूरे विद्यालय में और एग्जाम चल रहे हैं और अभी 11:15 के आसपास ये पहली पाली की जो परीक्षा हो रही है वो अभी छूटेगा। उसके बाद हम विद्यार्थियों से भी बात करेंगे कि किस तरीके का अंदर व्यवस्था रही, किस तरीके से सीसीटीवी की निगरानी में उन्होंने परीक्षा दिया और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। किसी भी प्रकार के यहाँ कोई हरकत नहीं हो रही है, ना कोई यहाँ पर गाड़ियां लगने दी जा रही, ना लोगों को खड़ा होने दिया जा रहा है, पूरी तरीके से शांति व्यवस्था के साथ परीक्षा हो रही है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। बता दें आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं और भारी संख्या में पुलिस प्रशासन परीक्षा केंद्रों पर मौजूद है। कड़ी सुरक्षा के बीच बोर्ड की परीक्षा हो रही है, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बता दें पहली पाली की परीक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को धोखाधड़ी मुक्त और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर अधिकारियों को आगे आदेश दिया है और इस खबर पर हमारे संवाददाता कानपुर से उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से हो रही हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर कानपुर से सामने आ रही हैं? जी मैं बता चला कानपुर को देखा है तो 133 जो यूपी बोर्ड के एग्जाम चालू चुके 133 केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर देखा जाए कहीं ना कहीं जो कानपुर के वरिष्ठ अधिकारी है फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने हर जगह जगह पर लगभग देखा 133 लगभग 3628 कैमरे जो है, उनमें कैमरे सारे एग्जाम हो रहे हैं, स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं
देखा जाए कहीं ना कहीं पे 10 जो है जोनल मजिस्ट्रेट और 12 जो है 15 जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम फ्लाइंग स्क्वाड तौर पर गठित की गई है। और देखा जाए जगह जगह फ्लाइंग स्क्वाड आ रहा है मौके पे और जा रहा जांच कर रहा है, पर देखा जाए कहीं जो एग्जाम हो रहा है वो सुरक्षित और निष्पक्ष हो रहा है। उपेंद्र, सुरक्षा के इंतजाम कैसे देखने को मिल रहे हैं? जी, पता चला कि हर जो सुरक्षा व्यवस्था करी जाए तो कानपुर कमिश्नर जो बीपी चौधरी है उनको और ज्वाइंट कमिश्नर प्रकाश तिवारी जो है हर जो परीक्षा केंद्र के जो है उनकी मॉनिटरिंग, आप लोग भी आ जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग उस टाइम उपेंद्र, पिछले साल के मुकाबले अब की साल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है परीक्षा केंद्रों पर? जी, अगर देखा तो पिछले साल एग्जाम होने थे, योगी सरकार पहले भी थी, योगी सरकार वर्तमान समय भी है, देखा है तो पिछले साल से अपेक्षा की बार जो है जो नकल कराने वाले जो लग रहा नेटवर्क दिक्कत थी, एनएससी की कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो पूरी तरीके से सख्ती करी हुई है। उपेंद्र, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए आपकी तमाम निर्देश दिए गए हैं, तमाम बदलाव किए गए हैं, बच्चों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कोई डर नजर आ रहा है? जी, अगर दिखाया तो बच्चों जो एग्जाम जो आज दिखाया तो हाई स्कूल में जो लगभग कानपुर में जो 46,145 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और इंटरमीडिएट में जो है 48,000 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, लगभग अगर देखा है तो कानपुर में 91,886 बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं। और उसके बाद देखा है तो स्टूडेंट का डर नहीं है, उनके अंदर एक उत्साह है कि देखा है तो जो निष्पक्ष परीक्षा हो रही है उसको लेकर वो लोग काफी एक्साइटेड है। जी, धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। कानपुर देहात मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर देहात मौत मामले में एसआईटी का गठन किया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ित परिवार को सरकार ने 10 लाख की सहायता दी। पीड़ित परिवार को सरकार ने 10 लाख की सहायता दी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर देहात मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर देहात मौत मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। पीड़ित परिवार को सरकार ने 10 लाख की सहायता दी। पीड़ित परिवार को सरकार ने 10 लाख की सहायता दी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।